you're watching Ready Study Go by रमा सिंह। Guys, English बोलना किसको नहीं पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हम मिसप्रनाउंस करते ही है वर्ड्स को, और इस वजह से हमारी इंग्लिश थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिसप्रनाउंस वर्ड्स, और साथ में मैं आपको सेंटेंसेस भी बताऊंगी। सो लेट्स कंटिन्यू, एंड तक जरूर बने रहे। हमारा पहला वर्ड है गाइज पोएम, यही बोलते आ रहे हैं ना गाइज, इसे हम लोग बोलते हैं पोएम। क्या बोलते हैं? पोएम। इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। ही रिसाइटेड द पोएम टू द क्लास। व्हाट? ही रिसाइटेड द पोएम टू द क्लास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेजर्ट, यही बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है स्वीट्स, जो हम लोग खाने के बाद लेते हैं। कल आप होटल में जा रहे हो, खाने के बाद आप क्या मंगवाते हो? डेजर्ट, है ना। तो इसे हम लोग गाइस प्रोनंसिएशन में डेजर्ट नहीं बोलते, डिजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजर्ट, है ना। देयर इज आइसक्रीम एंड केक फॉर डिजर्ट। और गाइस नीचे जो वर्ड दिया हुआ है ये वाला DESERT, ये होता है डेजर्ट। इसका प्रोनंसिएशन क्या होता है? डेजर्ट। इसका होता है डिजर्ट, ये है डेजर्ट, और ये डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। इसकी सेंटेंस देख लेते हैं गाइस, जैसे nobody likes to live in desert, सही है ना, किसी को डेजर्ट में रहना पसंद थोड़ी ना है। ये वर्ड को आप क्या प्रोनाउंस करते हो गाइस? chaos या फिर chaos? नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे chaos। क्या बोलेंगे? chaos, जिसका मतलब होता है बिखेर देना या फिर किसी चीज को फैला देना। जैसे सेंटेंस में अगर हम ले ले तो बोल सकते हैं द कंट्री वॉज इन chaos ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है गाइस, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रोनाउंसिएशन, यही बोलते हो? प्रोनाउंसिएशन? नहीं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोनंसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोनंसिएशन, है ना। इसे एक सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, मतलब इस वर्ड का प्रोनंसिएशन क्या है, और आखिर हम वही तो सीख रहे हैं ना अभी, प्रोनाउंस करने वर्ड्स को। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकफास्ट, यही बोलते हो ना गाइस? इसे हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। तो सेंटेंस बोल सकते हैं हम लोग हैव सम ब्रेकफास्ट, है ना, हैव सम ब्रेकफास्ट। नंबर सिक्स में है हमारा गाइस मुस्टैच या फिर मस्टैच, मस्टैक, यही बोलते हो ना, इसे हम लोग बोलते हैं मस्टैच। क्या बोलते हैं? मस्टैच, और इसकी हिंदी होती है मूछ। तो इससे सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग ही हैड अ मस्टैच। क्या? ही हैड अ मस्टैच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस आइदर, यही बोलते हैं ना हम लोग, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, मींस एनी वन। इसका प्रोनंसिएशन आइदर नहीं होता है गाइस, इसे हम लोग बोलते हैं ईदर। क्या बोलते हैं? ईदर, है ना। तो इससे अगर सेंटेंस देख ले तो हम लोग बोल सकते हैं सी वॉजेंट एबल टू विन ईदर वे, सी वॉजेंट एबल टू विन ईदर वे। नेक्स्ट है हमारा गाइस डाइट, यही बोलते हैं ना, इसे हम लोग डाइट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हम लोग डायट, डायट, है ना, डायट। ठीक है, इससे अगर सेंटेंस देख ले तो बोलेंगे ऑलवेज हैव अ हेल्दी डाइट, ऑलवेज हैव अ हेल्दी डाइट। गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट, ये हमारा गाइज होटल, यही बोलते हो ना, होटल नहीं, इसे हम लोग होटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होटल, है ना। तो इससे सेंटेंस देख लेते हैं द ओनर ऑफ द होटल वेलकम्ड मी पर्सनली, द ओनर ऑफ द होटल वेलकम्ड मी पर्सनली। ओके, एंड दिस वन इज लास्ट वन गाइस, और ये है हमारा रेस्टोरेंट, यही बोलते हो ना, इसे हम लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट, है ना। सेंटेंस होगा येस्टरडे आई वेंट फॉर अ डिनर टू अ रेस्टोरेंट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।